हेलो फ्रेंड्स, आजकल आप सब घर पे बैठे हैं तो देर आर सम एक्टिविटीज जो मैं आपको दूंगा. ओके, इट इज रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर के कुछ रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं. इससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा एंड यू विल एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी. ओके, जैसे एक्टिविटी वन. एक्टिविटी वन में क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. ओके, जो वर्ड सुटेबल है देर इज ऑप्शन गिवन. ओके, आपको उसमें से सर्च करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, और इसके आंसर सभी एक्टिविटी के आंसर लास्ट एक्टिविटी के बाद एक एक करके आएंगे स्लाइड में. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग करेक्ट होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं इंग्लिश में? देर आर सर्टेन वर्ड्स विच प्रोनाउंस सेम, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर उनका स्पेलिंग उसका उनका स्पेलिंग भी अलग होता है. प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग भी डिफरेंट होता है. जैसे रीड दिस चैप्टर अलाउड. अब इसमें देखिए ALOUD भी है और ALLOWED. अब दोनों की मीनिंग अलग है. आपको सोचना है कि कौन सी मीनिंग सही है और कौन सी मीनिंग गलत है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी थ्री. इसमें ये एक पजल है. आपको क्या करना है? फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लू गिवन एंड राइट इन स्पेस. इट इज अ वेजिटेबल, इट राइम्स विद पैरेट. माने ये एक वेजिटेबल है जिसका राइमिंग, राइमिंग मतलब पैरेट के साथ उसका राइम होता है. जैसे कैरेट, तो पैरेट का राइमिंग क्या होगा? कैरेट. कैरेट एक वेजिटेबल है. ओके, तो ये एक्टिविटी थ्री है. एक्टिविटी फोर, उसमें क्या करना है? आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट आर्टिकल. आपको करेक्ट आर्टिकल सिलेक्ट करना है. ओके, माना आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको लिखना है. और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक्टिविटीज अगर आप नोटबुक में लिखेंगे तो इससे आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और सेंटेंस फ्रेमिंग भी आपको अच्छा आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी फाइव. उसमें क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. अब ये जो आप पैराग्राफ ये नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसके जो ऑप्शंस हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में आए हैं. जैसे लाइफ इज अ डैश अ सैड एंड अ जॉयफुल एक्सपीरियंस. अब इसके ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बोथ, सेकेंड ऑप्शन है सो, थर्ड ऑप्शन है देयरफॉर और फोर्थ ऑप्शन है देन. जो इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हैं आप उसमें से ऑप्शन पहला पैराग्राफ लिख लीजिए, फिर करेक्ट ऑप्शन को आप लिखिए. ओके, देन अपने आंसर्स आप एंड ऑफ द स्लाइड, जैसे ही स्लाइड खत्म हो जाएंगे, 10 ही 10 एक्टिविटी की स्लाइड्स खत्म हो जाएंगे. तो इस ट्यूटोरियल में 10 स्लाइड्स हैं, 10 एक्टिविटी हैं. 10 एक्टिविटी बाद आपको आंसर मिलेंगे बट पहले आप एक्टिविटी सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, फिर आंसर चेक करेंगे. ओके, एक्टिविटी सिक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स. आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, आपको उसका भूतकाल दैट इज पास्ट टेंस लिखना है. लास्ट वीक माय फैमिली एंड आई डैश दिल्ली. अब विजिट, विजिट का पास्ट टेंस होता है विजिटेड. आप पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए और उसका करेक्ट आंसर लिखिए, फिर आप बाद में चेक कीजिए. इससे आपको पता पड़ेगा कि आपको आपका इंग्लिश ग्रामर कितना स्ट्रांग है. और इट विल ये एक्टिविटी केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि काफी लोग बड़े भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. उनका इंग्लिश काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है. और ये एक्टिविटी मैं आगे भी और एक्टिविटी रखूंगा, लेकिन इसके आप पहले उससे पहले अपने लाइक कमेंट्स बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो इससे पता पड़ेगी आप और कमेंट्स बताएंगे कि और क्या चेंजेस ला सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी आपको चाहिए, किसके रिलेटेड चाहिए, क्या चाहिए, तो आप वो अपने कॉमेंट्स में दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी सेवन. सेम आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. महात्मा गांधी डैश बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869. तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, बी का पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में होता है वॉज या वर. अब यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि महात्मा गांधी सिंगुलर है रूल के हिसाब से. ओके, एक्टिविटी एट आपको सवाल, इसमें आपको सवाल दैट इज क्वेश्चन वर्ड्स रखने हैं. फिल द ब्लैंक्स विद द क्वेश्चन वर्ड्स. जरूरी नहीं जो ऑप्शन दिए हैं वो हो सकते हैं, दूसरे नए भी हो सकते हैं. डैश डज ही गेट अप, तो इसका आंसर इसका क्वेश्चन होगा व्हेन डज ही गेट अप. और इसी एक्टिविटी को और मजेदार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी एट के सब क्वेश्चन लिख दीजिए, उसके आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, फिर इन्हीं क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक में लिखें. तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन के आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं. इट्स द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश वेरी नाइसली. ओके, एक्टिविटी नाइन में क्या दिया हुआ है? टिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स गिवन बिलो. बी डैश गोइंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑफ अवर स्कूल दिस वीकेंड.
तो वी के साथ क्या आता है, तीन ऑप्शन है, इज आर और एम. तो आप क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑफ अवर स्कूल दिस वीकेंड. ओके, एक्टिविटी 10, उसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन. आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, उसमें दो ऑप्शन है, आपको दो या तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ज्यादातर, इसमें दो ही ऑप्शन है, आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके लिखेंगे. और इन सब की आंसर मैं रिपीट करता हूं, इन सब की आंसर इमीडिएटली आफ्टर दिस ट्यूटोरियल के बाद आपको सबके आंसर मिल जाएंगे. आप पहले एक्टिविटी लिखिए अपनी नोटबुक में और उसके बाद आंसर चेक कीजिए. इट्स द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश. वैसे ही आप घर पे बैठे हैं, ट्राई टू लर्न मैक्सिमम इंग्लिश. आई एम गोइंग टू कीप ऑन अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोज. आप इनको वीडियोस को ध्यान से देखिए, उस पर से इंग्लिश सीखिए, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स. ओके, हैव अ नाइस डे.